का समय नहीं ले सकता हूं। हम सब टीचर्स ने इस प्रोटेस्ट को फिर से इकट्ठा करने के लिए हमने एक गठन किया जिसका नाम था काफा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टी एसोसिएशन। इसका गठन हमने सितंबर में किया। इसमें हमारे बहुत सारे टीचर्स अक्रॉस इंडिया, ये देखें बहुत सारे टीचर्स, ये सब के सब टीचर्स हैं जिन्होंने हमारे पास इन मुद्दों को रेज करने के लिए हम सब ने गठन किया। हम सब टीचर्स अक्रॉस इंडिया, एवरी टीचर हमारे साथ है। और इस काफा ने इस मुद्दे को उठा करके सी इंस्टीट्यूट को चिट्ठियां लिखी, एमसीए को चिट्ठियां लिखी। हमने कहा इंस्टीट्यूट को इंगेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ने हमें बुलाया भी सितंबर के लास्ट में, उन्होंने हमको बुलाया अपने ऑफिस में, उन्होंने हमको कहा कि अपने मुद्दे बताओ। हमने ये सारे, ये मैंने आपको तो कम पॉइंट्स दिखाए, उनको मैंने और भी ज्यादा इंस्टीट्यूट को दिखाए। सेक्रेटरी साहब बैठे थे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के जो डायरेक्टर हैं वो बैठे थे, उन्होंने उनको बताया ये समस्या है। उन्होंने कहा इस पर बहुत जल्द एक्शन लेंगे, जिसका आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। हाँ, हमारी उन चिट्ठियों का इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया। जो हमने एमसीए को चिट्ठी लिखी थी, एमसीए ने वो चिट्ठी रेफर कर दी इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट ने एमसीए को जवाब दिया, एमसीए ने हमें जवाब दिया। मजे की बात है, जो जवाब इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट हमें दिया था वही सेम डिटो जवाब उन्होंने एमसीए को दिया था, और वही जवाब उन्होंने कई स्टूडेंट्स को भी दिया हुआ है। उस जवाब को हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने क्या जवाब दिया, ये देखें। पहले तो उन्होंने कहा 2019 का बच्चे मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं, उनको तो पढ़ना ही नहीं है 2019 का मटेरियल। भाई 2022 में आप अपने पास उन बच्चों को जो मटेरियल दे रहे हैं उसमें कहीं बता ही नहीं रहे कि आपने उसके अंदर कुछ चेंज कर दिया पास्ट वाले मटेरियल में, तो सेम ही माना जाएगा ना, वो तो अभी भी वही है। और आप या तो ये कह दो कि सारे आरटीपी पढ़ना बंद कर दो, पिछले सारे पास्ट एग्जाम पढ़ना बंद कर दो। आप अपने पास जगह जगह क्यों लिखते हैं कि बच्चा पास्ट एग्जाम पढ़ के जाए, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन बच्चा करके जाता है। अब बाद में आप कह रहे हैं कि एमसीए को लिख रहे हैं, आप तो मिसगाइड कर रहे हैं एमसीए को, कि आप कह रहे हैं बच्चा 2019 का मटेरियल पढ़ क्यों रहा है 2022 के अंदर। अजीब सी बात है, डेज ऑफ ग्रेस आपके कोई बदला नहीं, कोई कानून बदला नहीं। 2019 में वो कानून लगता, 2022 में कानून लग हो गया, तो आप मिसगाइड कर रहे हैं। अब आपके इस बात को लेकर मैं अगर कह दूं बच्चों को कि भाई साहब नहीं पढ़ना आपको 2019 का आरटीपी, नहीं पढ़ना आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, तो अच्छा रहेगा क्या, उनकी तैयारी कैसे होगी। इसलिए बिल्कुल मिस गाइड करने के लिए आपने एमसीए को बोला कि बच्चा 2019 का मटेरियल पढ़ क्यों रहा है, उसे तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा, उन्होंने यहां पर मान लिया, उन्होंने मान लिया, कह रहे हैं कि देखो अगर हम मार्किंग स्कीम बच्चों की रिलीज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहले भी चला गया था, तो बच्चे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जहां उन्होंने कहा कि साहब हमारा देखो पेपर के अंदर ये आंसर है और इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड में ये आंसर है, इसलिए दोनों सेम है, इसलिए हमको नंबर मिलने चाहिए। वहां इंस्टीट्यूट एक चाल चल जाता है, ध्यान से सुनना कि हम कोर्ट में क्यों फेल हो जाते हैं। वहां इंस्टीट्यूट कहता है कि सजेस्टेड तो पेपर चेक ही नहीं करते, हम तो मार्किंग स्कीम से चेक करते हैं और मार्किंग स्कीम हम रिलीज ही नहीं करते हैं। तो जज साहब जो है वो उनके पास शब्द समाप्त हो जाते हैं कि भाई पेपर जिससे चेक हुआ था वो और डॉक्यूमेंट है, और वो ये भी कोर्ट में लिखते हैं कि मार्किंग स्कीम अलग होती है, उसमें अलग प्रकार से चेकिंग की जाती है, सजेस्टेड आंसर एक होते हैं। ये हम जानते हैं कि दोनों में कोई फर्क नहीं होता, हमें मालूम है, लेकिन कोर्ट को गुमराह किया जाता था, हर बार गुमराह किया जाता था। एमसीए को भी उन्होंने गुमराह किया, कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो अलग चीज है, ये अलग चीज है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी केस जीते हुए हैं इसलिए हमारा दिखाना जरूरी नहीं है। ये भी बात उन्होंने लिख डाली कि साहब हमें तो दिखाना नहीं है, ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट है, ये हमारा मॉडल टेस्ट जो है हम डिस्क्लोज करेंगे ही नहीं, ये और बच्चा सेल्फ डिक्लेरेशन देगा वो अपनी कॉपी भी किसी को नहीं दिखा सकता। और ये भी बड़ी मजे की बात है, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसीज है ये बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आती है कि ये कौन है जो इंस्टीट्यूट में ऐसी बात लिखने की हिम्मत करते हैं कि जहां पर वो ऊपर कुछ लिखते हैं कि बच्चों के सब अगेंस्ट है बातें, फिर नीचे लिख देते हैं बच्चों के हित में ये सब काम कर रहे हैं। बच्चों के हित में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको समझते ही नहीं है। एनीवे